नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकिल का खोटा। आइए पहेली पढ़ने के बाद इस पहेली में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ गोल मटोल यानी गोलाकार या गोल आकार से मिलता जुलता, हरदम यानी हर पल या हर समय, जमी यानी जमीन या भूमि, लेटा यानी बैठा हुआ या सोया हुआ या पड़ा हुआ, झूठा यानी गलत या असत्य या झूठ, बूझे यानी समझना या जानना, अकिल यानी बुद्धि ज्ञान, खोटा यानी बेकार खराब या मंदहीन। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियाँ नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, अमीर खुसरो को भारतवर्ष का तोता की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। प्रसंग यह एक अंतलार्पिका पहेली है। अंतलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरा लंकार युक्त छंद होता है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर उसी शब्दों में या अक्षरों से निकलते हैं, उसे अंतलार्पिका पहेली कहते हैं। इस पहेली के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने लोगों के दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं के द्वारा मनोरंजन करने के साथ ही साथ उनमें समझबूझ विकसित करने के प्रसंग में उक्त पहेली का चित्रण किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं व्याख्या की दृष्टि से मैं अब पहेली को पढ़ता हूँ, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूँ। व्याख्या पहेली, अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ। गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो जमी पर लोटा। जी हाँ, गोल मटोल यानी बिल्कुल गोल आकार जैसा, छोटा यानी बहुत ही छोटा, मोटा यानी गोल या मोटा, हरदम यानी हर पल, जमी यानी जमीन या भूमि, लोटा यानी लेट जाना या सो जाना या पड़ा हुआ रहना। अब हमें यह देखना है कि अमीर खुसरो इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं। जी हाँ, अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक विनोदी प्रकृति के भी व्यक्ति थे। खुसरो में एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी। वे चलते चलते पहेलियों की रचना कर देते थे। यही नहीं, वे बातों ही बातों में जब तब पहेलियों की रचना करते रहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने मनोरंजन करने के उद्देश्य से मित्रों के बीच एक
पहेली का निर्माण कर तुरंत उनके सामने रख दी और कहा कि बताओ इसका क्या अर्थ है। गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो जमी पर लोटा, यानी बताओ वह क्या चीज है। वह एक छोटा मोटा तथा गोल मटोल वस्तु है। वह देखने में बिल्कुल छोटा है और गोल आकार का है। जब भी देखो वह जमीन पर लेटा हुआ रहता है या जमीन पर सोया हुआ या बैठा हुआ जान पड़ता है। बताओ वह क्या चीज है जो हमेशा जमीन पर लेटा हुआ या बैठा हुआ जान पड़ता है और देखने में वह बिल्कुल गोल मटोल है या वह बिल्कुल गोल आकार का है। अब दूसरी पंक्ति देखिए। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बुझे अकिल का खोटा। यानी खुसरो यहाँ अब क्या कहना चाहते हैं ध्यान देकर सुनिएगा। खुसरो जी कहते हैं कि यह बात झूठ नहीं है, झूठा यानी झूठ असत नहीं है। खुसरो जी यह कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह बिल्कुल झूठ नहीं है। इसे आप झूठ कह भी नहीं सकते हैं, इसलिए जो इस पहेली का सही उत्तर नहीं बताएगा मैं यही समझूंगा कि वह बुद्धि का खोटा व्यक्ति है, यानी वह एक बुद्धू व्यक्ति है, वह एक मंदहीन व्यक्ति है। जो इस पहेली का सही सही उत्तर नहीं बताएगा मैं यही समझूंगा उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो ना बूझे अकिल का खोटा, यानी जो इस पहेली का अर्थ सही सही नहीं लगा सकता है वह एक तरह से अक्ल का खोटा व्यक्ति है, यानी वह एक तरह से मूर्ख व्यक्ति है। अतएव समझने का प्रयास करें कि खुसरो इस पहेली के माध्यम से किस वस्तु के बारे में कह रहे हैं या वह कौन सी चीज है जो देखने में हमेशा बिल्कुल गोल मटोल लगता है और जब भी आप उसे देखेंगे आपको वह कहीं न कहीं पर लेटा हुआ, सोया हुआ या बैठा हुआ जान पड़ेगा। बताइए वह चीज क्या है। बच्चों इस पहेली को आप बार बार पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए कि वह क्या चीज है जो हमेशा बैठा हुआ या सोया हुआ या लेटा हुआ जान पड़ता है और देखने में बिल्कुल गोल मटोल है। जी हाँ, प्रयास कीजिए, बार बार इस पहेली को पढ़ने की कोशिश कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए वह चीज क्या है। जी हाँ, आप कोशिश कीजिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा। जी हाँ, चलिए अब मैं उत्तर बता देता हूँ। यहाँ उत्तर है, घर घर में काम आने वाली एक चीज वह है लोटा। लोटा एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है। लोटा इतनी उपयोगी वस्तु है कि घर घर में इसे लोग रखते हैं और पानी पीने के यह काम आता है। लोटा घर घर में प्रयोग में आने वाली एक वस्तु है, यह एक बर्तन है। मैं इस पहेली को पुनः पढ़ने का प्रयास करता हूँ। गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बुझे अकिल का खोटा। यानी आप जानते ही हैं कि लोटा प्रायः गोल आकार का ही होता है, यानी लोटा गोल मटोल होता है तथा आप उसे जहां भी रख दीजिए वह जमीन पर पड़ा ही रहता है। वह हमेशा जमीन पर लेटा हुआ या सोया हुआ जान पड़ता है। यदि इतना सब कुछ बताने पर भी यदि आप इस पहेली का अर्थ नहीं समझ पाए हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप एक मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, आप अक्ल के खोटे व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मंद बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझूंगा या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति ही मानूंगा। अतः यह एक लोटा है, इस पहेली का सही उत्तर लोटा है, यानी निश्चित रूप से वह लोटा ही है जो जमीन पर जहां तहां पड़ा हुआ या सोया हुआ या लेटा हुआ जान पड़ता है और आकार में वह लगभग गोल आकार का होता है। आशा करता हूं आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए हैं। आइए पहेली को अच्छी तरह समझाने के बाद अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं ताकि आप अधिक से अधिक जानकारी इस पहेली से हासिल कर सकें। आइए विशेष। इस पहेली में कवि अमीर खुसरो ने रोज उपयोग में आने वाली घरेलू वस्तु एक घरेलू बर्तन लोटा यानी बर्तन के विषय में बतलाने का प्रयास किया है। यह छंद प्राचीन
काव्य की एक विधा है जिसे हम हिंदी में पहेली कहते हैं। इस पहेली की भाषा सरल, सरस एवं प्रचलित खड़ी बोली अर्थात हिंदवी है। यह एक ऐसी अबुझ पहेली है जो जल्दी तो समझ में नहीं आती है। यह हमें कुछ सोचने के लिए तथा कुछ समझने के लिए मजबूर करती है। सही उत्तर देने के लिए दिमाग को भी कुछ देर के लिए कसरत करना पड़ता है, तब जाकर हम इसका सही उत्तर बता पाते हैं। इस पहेली में कवि का भाषाई ज्ञान एवं चतुराई प्रकट होता है। आशा करता हूँ आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है तथा सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।